सभी ने अपनी तनख्वाह से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालकर एक ऐसी योजना बनाई कि सरकार के अलावा भी जिनके पास भोजन सामग्री नहीं पहुंच पा रही है ऐसे 500 परिवारों को चिन्हित करके राशन दिया जाएगा। ऐसी योजना पहले चरण में बनी है। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने आगे भी तय किया है कि एक बार अगर पहला चरण कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद भी अगर लॉकडाउन जारी रहता है तो अगले चरण में 1000 परिवार, और मैं माई से प्रार्थना करूंगा कि लॉकडाउन अब जारी ना रहे, ये महामारी जल्दी से जल्दी हमारे दतिया जिले से सबसे पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश और पूरे देश से चली जाए। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है,